Hello guys, how are you? So this is my again a practice session for syllogism. So there are three statement questions which we are going to practice today. First of all, what you have to do is there is a link available जो स्क्रीन पे दिख रहा है tinyurl.com/unacademyakash. ये लिंक आपको ब्राउजर में ओपन करके जो शीट ओपन होगा उसको बुक मार्क करके रखिए. लॉट ऑफ वीडियोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ऑल द वीडियोज विल बी अवेलेबल इन दैट शीट. तो यही शीट आपको ओपन करना है और बहुत सारे वीडियोस में वहाँ पे अवेलेबल करूंगा. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर गाइस. समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव कम्प्लीटेड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2015 एंड इट्स बिन अराउंड 5 ईयर्स दैट आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन. अराउंड 6,000 स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेन टिल डेट एंड स्टिल काउंटिंग. वी हैव रौनक सर, श्याम सर, ऋषिकेश सर, अपूर्वा मैम, रितु मैम एंड ऑल दो different educators. You can just watch on our YouTube channel, that is an Academy CAT for MBA. And again, the link guys, this link is very important. That is just a minute. So this link is tinyurl.com/unacademyakash. तो ये लिंक आपको बुक मार्क करके रखनी है. मैंने उसको अपडेट किया है, तो जैसे ही और वीडियोस आएंगे ऑल द लिंक्स विल बी अवेलेबल इन दैट शीट. ओके, तो ये बुक मार्क करके रखिए. एंड यस, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट द कैट प्रिपरेशन, यू नीड टू गो फॉर दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. यू हैव टू यूज माई कोड, दैट इज sky10. ओके, यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन एनी प्लान यू आर गोइंग फॉर. सो डू नॉट फॉरगेट माई कोड sky10. एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग नाउ, प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट गाइज. ओके, सो लेट अस सॉल्व सम थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चंस फॉर सिलॉजम. सो सिलॉजम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स एक्सेप्ट कैट. तो बाकी एग्जाम्स पे आ सकते हैं और काफी इजी क्वेश्चन है सिलॉजम के. आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो. इफ यू हैव इनफ प्रैक्टिस देन आप बस इमेजिन भी कर सकते हो क्वेश्चन को. सो स्कोरिंग टॉपिक है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी. एंड डू लाइक द वीडियो गाइज. या सो सम बुक्स आर स्टैक्स. तो सबसे पहले सम बुक्स आर स्टैक्स का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. सम बुक्स आर स्टैक्स. ओके, तो ये बुक्स हो गया और ये हो गया स्टैक्स. सम स्टैक्स आर क्यू. तो सम स्टैक्स आर क्यू, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी. दिस इज Q1 एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज Q2. तो जो भी पॉसिबिलिटीज अलग अलग है वो आपको खुद से कंसिडर करनी है. ओके, उसके बाद में दिया है कि नो क्यू इज ट्री. अब नो क्यू इज ट्री अगर बोला है, वॉट डज इट मीन? कि क्यू के सर्कल को छोड़ के ट्री कहीं पे भी हो सकता है. तो जैसे दिस इज T1, कि किसी को टच ही नहीं किया T1 ने, ट्री ने, तो यहाँ पे ट्री हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ट्री, और अंदर भी कहीं तो हो सकता है. बस क्यू के सर्कल को टच नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जो भी हमारे कंक्लूजन है वो कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे, जो सारे केसेस में ट्रू होते हैं वही कंक्लूजन कहा जा सकता है. नाउ नो बुक इज क्यू. नो बुक इज क्यू, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज पॉसिबल तो है बुक्स और क्यू का ओवरलैपिंग हो सकता है. नो स्टैक्स आर ट्री. नो स्टैक्स आर ट्री, ये भी इंडिविजुअली रॉन्ग है. सम स्टैक्स आर नॉट ट्री. यस, अभी जो स्टैक्स का क्यू के अंदर जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है दैट पार्ट कैन नेवर बी ट्री. इसीलिए हमें ये वाला स्टेटमेंट ट्रू कहना पड़ेगा. सम बुक्स आर ट्री. सो सम बुक्स आर ट्री, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. इन द केस ऑफ T1 दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट क्लियरली मीन्स दैट आर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो चलो जल्दी से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस क्वेश्चन गाइज, करो प्रैक्टिस करो. ओके, एंड यू कैन जस्ट थिंक अबाउट योर आंसर. और जैसे ही आई विल गिव यू सम टाइम, हाफ मिनट, 1 मिनट आई विल गिव यू टाइम, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन. तो चेक कर सकते हो कि बाद में आपका करेक्ट आता है कि नहीं. ओके, एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट दिस लिंक. ओके, tinyurl.com/unacademyakash. तो ये आपको लिंक ओपन करना है, ब्राउजर में जाके उसको पेस्ट करो एंड उसको बुक मार्क करके रखिए. सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज ऑफ नाउ,
यू कैन जस्ट ओपन इट एंड यू गेट लॉट ऑफ प्रैक्टिस वीडियोज ओवर देयर. ओके एंड आई एम अपलोडिंग डे बाय डे नाउ, तो काफी सारे वीडियोज आ जाएंगे, डोंट वरी. तो सिलोजिज्म का ये जो थ्री स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ. ओके, नो डॉक्टर्स आर पेशेंट, नो डॉक्टर्स आर पेशेंट, पेशेंट का सर्कल तो यहाँ पे हो जाएगा. ऑल पेशेंट्स आर फीमेल्स, तो ऑल पेशेंट्स आर फीमेल्स, यहाँ पे तीन फीमेल्स के तीन सर्कल पॉसिबल है, तो कौन से, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी फीमेल वन, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज फीमेल टू, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज फीमेल थ्री. ठीक है, तो ये तीनों केसेस हमें खुद से कंसिडर करके रखने हैं. अभी देखते हैं कि क्या बोला है. ऑल पेशेंट्स आर फीमेल्स हो गया, ऑल फीमेल्स आर नर्स, ऑल फीमेल्स आर नर्स. अभी एक बाहर नर्स थ्री का मैं सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ, वैसे नर्स वन भी हो सकता है जो फीमेल वन के जस्ट बाहर होगा, नर्स टू फीमेल टू के जस्ट बाहर होगा, और नर्स थ्री जो अभी मैंने ड्रॉ कर लिया. तो अभी पहला वाला कंक्लूजन है, सम फीमेल्स आर डॉक्टर, सम फीमेल्स आर डॉक्टर, इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट नेसेसिटी, तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा. सो दिस इज रॉन्ग. सम डॉक्टर्स आर नॉट फीमेल्स, सम डॉक्टर्स आर नॉट फीमेल्स, नॉट नेसेसरी. फीमेल का सर, फीमेल का जो सर्कल है उसके अंदर कंप्लीटली भी डॉक्टर आ सकता है, तो ये भी इंडिविजुअली सही नहीं है. सम नर्सेस आर पेशेंट्स, सो सम नर्सेस आर पेशेंट्स, ये तो ट्रू होगा क्योंकि नर्सेस के अंदर ही पेशेंट्स का सर्कल है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है. ऑल नर्सेस आर पेशेंट्स, ऑल नर्सेस आर पेशेंट्स, नॉट नेसेसरी, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है. सम फीमेल्स आर नॉट डॉक्टर्स, अच्छा अच्छा सम फीमेल्स, ओके फर्स्ट वाला जो है वो एक्चुअली करेक्ट है. सम फीमेल्स आर नॉट डॉक्टर्स, मतलब फीमेल का जो पार्ट ये पेशेंट्स है दैट कैन नॉट बी डॉक्टर, तो ये करेक्ट है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, काफी सिंपल क्वेश्चन है गाइस. चलो देखते हैं कि सिलोजिज्म का ये थर्ड क्वेश्चन गाइस, अगेन सॉरी थ्री स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. ऑल ट्रीज आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर जंगल्स, एंड ऑल बुक्स आर ट्रीज. तो चलो सबसे पहला हम ट्राई करते हैं, ऑल ट्रीज आर पेंसिल्स. ओके, ऑल ट्रीज आर पेंसिल्स एंड ऑल पेंसिल्स आर जंगल्स, ऑल पेंसिल्स जंगल्स, ऑल बुक्स आर ट्रीज. सो द सर्कल द वेन डायग्राम जो बुक का है वो आएगा इसके अंदर, बुक्स यहाँ पे. ओके फाइन, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका. अभी कंक्लूजन उन्होंने बोला है कि सम ट्रीज आर जंगल, तो सम ट्रीज आर जंगल, यस ट्रीज का सर्कल जंगल्स के अंदर है, वैसे तो दिख रहा है कि ऑल ट्रीज आर जंगल, ऑल है तो सम बोल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये ट्रू है. नो ट्रीज आर जंगल, ये तो ऑब्वियसली गलत है. ऑल बुक्स आर जंगल, ये तो ऑब्वियसली ट्रू है. सम जंगल्स आर बुक्स, सम जंगल्स आर बुक्स, ये भी ट्रू है. मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, आई होप कि किसी को भी कोई डाउट नहीं है. गाइज क्विकली लाइक द वीडियो एंड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन गाइज, यूज माई कोड Titan, दिस इज माई रेफरल कोड, यू गेट अ 10% ऑफ, एंड tinyurl.com/anacademyakash, दिस इज द लिंक फॉर द शीट. इन दैट शीट आई विल बी अपलोडिंग ऑल द लिंक्स ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्लीज आप लोग सब लोग उस पर अपलोड, जो भी अपलोडेड वीडियोज है उसको देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं दे वॉन्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन. That is why I have made this arrangement for you guys. Okay, तो उसमें बहुत सारी videos available हो जाएंगे. Fine, logical reasoning, data interpretation, and quantitative ability. So the next question: Some apples are fruits. All vegetables are fruits. तो fruits के अंदर vegetable का सर्कल ये एक पॉसिबल है. वेजिटेबल का सर्कल ये भी एक पॉसिबल है, राइट. ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स. अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली सर्कल बनेगा कैसे, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये एप्पल वाला सर्कल, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का तो सेम ही सर्कल बन जाएगा, है ना.
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेम सर्कल। नाउ सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, सम एप्पल्स आर वेजिटेबल, ये तो ट्रू है। ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, हाँ ये तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये तो करेक्ट है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, दिस इज नॉट नेसेसरी। ऑल वेजिटेबल्स आर एप्पल्स, ऑल दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। सो वन एंड टू ओनली, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके सो ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके आई गिव यू सम टाइम, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। And again, let me tell you, syllogism is a very scoring topic. If you practice it well, then you can crack all the questions from different exams. Okay, imagine ही कर सकते हो आप, इतने easy questions होंगे. Okay, आपको pen and paper की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. But provided you should have enough practice for that. Okay. चलो तो सॉल्व करके देखते हैं. Some cars are four wheelers. Some cars are four wheelers, and all four wheelers are vehicles. All four wheelers are vehicles, and some vehicles are SUVs. तो ठीक है, SUV का सर्कल कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखो SUV. Sorry guys. So all यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल फोर, ओके सम व्हीकल्स आर एसयूवीज। तो एसयूवीज कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे एसयूवी हो सकता है एक तो, और एसयूवी ऐसे पूरा अंदर भी हो सकता है ना, एसयूवी यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, करेक्ट, फोर व्हीलर्स के साथ मैच हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे भी हो सकता है कि कार्स के साथ भी मैच हो जाए व्हीकल्स का, सॉरी एसयूवी का सर्कल, एसयूवी है ये। ओके तो ये सब सारे जो केसेस है आपको अच्छे से सोच के आना चाहिए खुद से। ओके तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ओके सम एसयूवीज आर फोर व्हीलर्स, सम एसयूवीज आर फोर व्हीलर्स, इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट नेसेसिटी, तो ये तो गलत हो जाएगा। सम व्हीकल्स आर फोर व्हीलर्स, सम व्हीकल्स आर फोर व्हीलर्स, ये तो ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, सेकेंड ट्रू है। सम व्हीकल्स आर कार्स, सम व्हीकल्स आर कार्स, एग्जैक्टली ये तो होने ही वाला है क्योंकि यहाँ पे हमारे डायग्राम में भी दिख रहा है। ओके सम एसयूवीज आर कार्स, सम एसयूवीज आर कार्स, इट्स अ पॉसिबिलिटी नॉट नेसेसरी। ओके तो ये भी गलत हो जाएगा, तो टू एंड थ्री ओनली, दिस इज आवर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सच थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चंस आल्सो। तो मैं काफी सारे हर एक लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करूंगा। ओके यू हैव टू जस्ट वॉच ऑल द वीडियोज, ये जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है tinyurl.com/academyakash, तो ये जब आप लिंक टाइप करोगे ब्राउजर में आपको एक शीट ओपन होगा, उस शीट में सारे यूट्यूब वीडियोज के लिंक मैं अपलोड कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक के वीडियोज मिलेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, जितना आपको प्रैक्टिस करना है बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही अलग अलग वीडियो आते हैं आई विल कीप अपलोडिंग द लिंक्स, यू जस्ट कीप चेकिंग दैट शीट। ओके सो आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन गाइस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टेस्ट सीरीज। ओके दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो ऑल द टेस्ट आर डिजाइंड बाई टॉप क्लास एजुकेटर्स, ब्राइटेस्ट माइंड्स, गाइस यू हैव टू get this subscription and then you will get to write all the mock test and sectional test. Okay and the leaderboard, this is also important part when you are watching the live sessions over there on plus platform, and the personal attention and plus courses, this is very important for your personal growth. Okay and analyzing your performance and your understanding of concepts. So personal attention bhi aapko rahega. If you want to go for an academy plus subscription, क्विकली डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग एप। इंस्टॉल करने के बाद में अंडर द प्लस सेक्शन देर विल बी अनदर सेक्शन कॉल्ड कैट। सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, सो अंडर कैट सेक्शन यू बी एबल टू सी देर आर मल्टीपल प्लान अवेलेबल। ओके सो ऑल द प्लान आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट गाइज, सो यू हैव टू गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। यू विल गेट 10% ऑफ इफ यू यूज माई कोड Sky10। तो इस कोड को यूज करना है आपको और सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस, इट कैन बी फॉर
इधर 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, सो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट. डू नॉट फॉरगेट दिस कोड विद कैट कोर्सेस. देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स आल्सो फॉर व्हिच वी हैव कोर्सेस ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म. सो फॉर एग्जांपल यूपीएससी, जेईई, बैंक एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स. सो इफ देयर इज एनीवन इन योर कांटेक्ट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, सो यू कैन रिकमेंड इट दिस कोर्सेस टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कजिन्स, जो भी तैयारी कर रहा है. एंड फाइनली अनअकैडमी एड फॉर एमबीए, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस. Okay, and press the bell icon. Do not forget to press the bell icon so that you will get the links of all our live sessions. And an academy Akash Pahurkar, ye mera Telegram channel hai. So please join it and you can ask queries on this channel. Okay, so thank you so much, guys. Watch all the previous videos as well as jo bhi videos aage aayenge. Okay, so.